सरकार का सहयोग समर्थन और देखिए अपने घर के अंदर वोट मांगना मुझे लगता है सबसे पहला आदमी का होता है, कर्तव्य होता है। और मैं अपने घर के अंदर वोट मांग रहा हूँ मॉल टाउन के अंदर, और लगातार मेरा जनसंपर्क कार्यक्रम गांव में भी चल रहा है, शहर में भी चल रहा है, धारड़ा भी चल रहा है, और आज हम लोगों ने आज डोर टू डोर का कार्यक्रम यहां मार्केट के अंदर रखा है। मेरी कोशिश यही है कि हर मतदाता तक हम पहुंचे जो मेरे रेवाड़ी शहर गांव में है, और उसी के तहत आज हम लोगों ने डोर टू डोर का कार्यक्रम किया है। युवाओं का उत्साह दिखाई दे रहा है, महिलाएं भी आपके साथ है। देखिए आज जो उत्साह है वो बुजुर्गों में भी है, माताओं बहनों में भी है, नौजवान साथियों में भी, और बच्चों में भी इतना उत्साह है कि ये देखते ही पता चलता है कि 5 अक्टूबर पर जब वोट डलेंगी तो जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो सबसे भारी बहुमत के साथ जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि हम रेवाड़ी की सीट जीतेंगे। देखिए जब कुछ जनप्रतिनिधि बनता है तो जनता की अपेक्षा है उससे कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। अब जनता को भी अपेक्षाएं रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार दावा कर रहे हैं दूसरी बार जीत का, तो जनता की अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ जाएंगी। देखिए अपेक्षा तो जनता का बढ़ना लाजमी है, जब पिछले 10 सालों में कोई विकास कार्य रेवाड़ी के अंदर नहीं हो पाया, जो हम देख रहे हैं आज शहर के हालात क्या है, टूटी सड़कें हैं, सीवरेज ओवर फ्लो की दिक्कत है, बेसहारा पशुओं का एक आतंक की तरह कहूंगा जो है, जिसमें लोग जो है जिसके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गाँव में भी आप देखते हैं कितने फसलों का नुकसान हो जाता है, और हमारी गौ माता जो हम सब लोगों के लिए पूजनीय है वो प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर है। आए दिन हम देखते हैं शहर के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो आज समस्याएं बहुत है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। रेवाड़ी के बस स्टैंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, पानी भरने की एक बहुत समस्या है, उसके अलावा धारड़ा का बस स्टैंड है, मेडिकल कॉलेज लाने की हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, तो बहुत काम है जो आने वाले समय हम करेंगे। लगातार आपने इन मुद्दों को विधानसभा के अंदर भी उठाया, पूरे जोर तरीके से उठाया, कारण क्या है कि आज की स्थिति वही की वही है? ये तो भाजपा का है जी, पिछले 10 साल सत्ता के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, यही कारण है जब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग उनसे प्रश्न किस बात का कर रहे हैं कि भाई 10 साल आप कहाँ गायब थे, आप लोगों ने इस इलाके के लिए क्या किया, और इस बात का जवाब जब ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार लोग इनसे सवाल कर रहे हैं। चिरंजीव राव, हमने पहले भी बहुत काम रेवाड़ी के अंदर किया, चाहे यूनिवर्सिटी बनानी हो, कॉलेजेस बनाने हो, आईटीआई बनानी हो, पॉलिटेक्निक बनानी हो, आपका मिनी सचिवालय है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, हमने इंस्टीट्यूशन बनाकर इस शहर को दिए। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे जो आज एक पीने के पानी की समस्या जो बहुत बड़ी बढ़ गई उसको, एक मेडिकल कॉलेज लाना, इन सभी कामों पे हम लोग काम करेंगे। रेवाड़ी में मुकाबला किससे और जीत को लेकर कितना आश्वस्त? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अब की बार कांग्रेस पार्टी 75 से ज्यादा सीटें लेकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं जो मुकाबला है वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इस बात का अंदेशा हो गया कि कांग्रेस पार्टी की एक आंधी चल रही है पूरे प्रदेश में। अब धीरे धीरे देखिए बीजेपी के भी एक नेता थे जिन्होंने अपनी टिकट वापस कर दी थी, तो आज ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अच्छा की कोई और देखिए एक तरह से इस बात के ऊपर प्रमाण करता है कि भाजपा और ये जो और लोग हैं ये एक बी टीम है भाजपा की, जिसके लिए हम लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने अब की बार मन बनाया है कि एक तरफा हम जीत करेंगे, और भाजपा को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि उनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है, इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए हर हथकंडे अपनाने के लिए भाजपा लगी हुई है। कांग्रेस गारंटी दे सकती है? देखिए आज के समय के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम 90 की 90 सीटों पे लड़ रहे हैं, एक सीट हमने सीपीएम को दी है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये तो जनता इस बात का फैसला करेगी, बट एक बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए ये नारेबाजी मैं नहीं कर रहा, ये यहाँ के जनता की, यहाँ के लोगों की मांग है कि इस इलाके को प्रतिनिधित्व मिले, जो पिछले 10 सालों में हमें काम नहीं मिल पाया, हमारे यहाँ जो पीछे हमारे युवा रह गए, उन लोगों की एक मांग है, ये पार्टी को फैसला इसके ऊपर करना है। तेजस्वी यादव कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आएंगे, 17 तक उनके कार्यक्रम लगे हुए, 20 के बाद कभी भी वो उनका कार्यक्रम आ जाएगा। सचिन पायलट जी भी आएंगे, अखिलेश यादव जी से ही मेरी बात हो रही है, और हमारे कांग्रेस पार्टी हाईकमान